हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रायश एजू। दोस्तों, आज हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन वर्कशीट ऑन प्रॉब्लम सेट 14। दोस्तों, इसमें हमने कुछ पजल भी दिए हैं, तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप लास्ट तक देखेंगे और ये पजल सॉल्व करके हमें आंसर भेजेंगे। तो चलो देखते हैं क्या है मल्टीप्लाई। इसमें हमें मल्टीप्लाई करना है। चलो शुरुआत करते हैं। 4523 मल्टीप्लाई बाय 143। 3 जा 9, 3 टू जा 6, 3 फाइव जा 15। से 5 मैंने लिखा, 1 कैरी किया है यहाँ पे, ठीक है। 3 फोर जा 12 प्लस 1 13, ओके। यहाँ पे मैं एक जीरो रख देती हूँ। आगे है 4 थ्री जा 12 से 2, 1 मैंने कैरी किया है, ओके। 4 टू जा 8 प्लस 1 9, 4 फाइव जा 20 से 0, 2 मैंने कैरी किया है। 4 फोर जा 16 और प्लस 2 18, ठीक है। यहाँ पे मैंने 2 जीरो रख दिए हैं। 3 वन जा 3, 2 वन जा 2, 5 वन जा 5 और 4 वन जा 4। चलो अभी इनकी एडिशन करते हैं। 9 9, 6 प्लस 2 8, 5 प्लस 9 प्लस 3 12 प्लस 5 17 से 7, 1 मैंने यहाँ पे कैरी किया है। 3 प्लस 2 5 प्लस 1 6, 8 प्लस 1 9 प्लस 5 14, 1 मैंने कैरी किया। 4 प्लस 1 5 प्लस 1 6, तो इसका आंसर है 6,46,789। नेक्स्ट है 1,368 मल्टीप्लाई बाय 438, ओके। यहाँ पे आगे हम मल्टीप्लाई करेंगे। 8 8 जा 64, मैंने 6 कैरी किया। 8 6 जा 48 प्लस 6 54, 4 मैंने 5 कैरी किया। 8 3 जा 24 प्लस 5 29 से 9 मैंने 2 यहाँ पे कैरी किया है। 8 वन जा 8 प्लस 2 10, ओके। यहाँ पे 0 रख दिया। अभी 3 8 जा 24 से 4 2 मैंने कैरी किया है। 3 6 जा 18 प्लस 2 20 से 0, 2 मैंने फिर से कैरी किया। 3 3 जा 9 प्लस 2 11, सो 1 यहाँ पे लिखा और 1 मैंने कैरी किया है। और 3 वन जा 3 प्लस 1 4, ठीक है। यहाँ पे 2 जीरो ऐड किए। अभी 4 एट जा 32 से 2 मैंने 3 यहाँ पे कैरी किए हैं। 4 6 जा 24 प्लस 3 27 से 7 मैंने 2 कैरी किया है। 4 3 जा 12 प्लस 2 14 से 4 और 1 मैंने कैरी किया। 4 1 जा 4 प्लस 1 5। अभी करते हैं इनकी एडिशन। 4 4 4 प्लस 4 8, 9 प्लस 2 11, 1 मैंने यहाँ पे कैरी किया। 7 प्लस 1 8 प्लस 1 9, 4 प्लस 4 8 प्लस 1 9 और 5 एज इट इज। तो इसका आंसर क्या मिल गया है दोस्तों, 5,99,184। देखते हैं अगला सवाल क्या है। 83,475 मल्टीप्लाई बाय 78, ओके। अभी यहाँ पे हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे। 8 5 जा 40 से 0, 4 मैंने कैरी किया। 8 7 जा 56 प्लस 4 60 से 0, मैंने 6 कैरी किया। 8 4 जा
32 प्लस 6 38 से 8 मैंने 3 कैरी किया, 8 थ्री जा 24 प्लस 3 27 से 7 मैंने फिर से 2 कैरी किया और 8 जा 64 प्लस 2 66 ओके, एक जीरो यहाँ पे रख दिया। अभी 7 फाइजा 35 से 5 मैंने 3 कैरी किया है, 7 जा 49 प्लस 3 52 से 2 मैंने 5 कैरी किया है, 7 जा 28 प्लस 5 33 मैंने 3 कैरी किया है, 7 जा 21 प्लस 3 24 से 4 मैंने 2 कैरी किया है, 7 जा 56 प्लस 2 58 ओके। अभी मैं करूँगी इनकी एडिशन, 0 0 5 5 8 प्लस 2 10 1 कैरी किया, 7 प्लस 3 10 प्लस 1 11 1 कैरी किया, 6 प्लस 4 10 प्लस 1 11 1 कैरी किया, 8 प्लस 1 9 प्लस 6 15 से 5 1 मैंने कैरी किया, 5 प्लस 1 66 65,11,050 आंसर हमें मिल गया है। देखते हैं अगला सवाल क्या है। 2,354 मल्टीप्लाई बाय 95, चलो इनका मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 5 4 20 से 0 मैंने 2 कैरी किया है, 5 5 जा 25 प्लस 2 27 से 7 मैंने 2 कैरी किया है, 5 3 जा 15 प्लस 2 17 7 मैंने यहाँ पे लिखा और 1 कैरी किया है, और 5 2 जा 10 प्लस 1 11 0 मैंने एज इट इज यहाँ पे लिख दिया है। अभी 9 4 जा 36 से 6 मैंने 3 यहाँ पे कैरी किया है, 9 फाइजा 45 प्लस 3 48 मैंने 4 कैरी किया है, 9 3 जा 27 प्लस 4 28 29 30 31 1 यहाँ पे लिख दिया, मैंने 3 कैरी किया है, 9 टू जा 18 प्लस 3 21 ठीक है। अभी हम इनकी एडिशन करेंगे, 0 एज इट इज, 7 प्लस 6 होते हैं 13 से 3 1 मैंने कैरी किया है, और ये हुआ 7 प्लस 8 और 8 16 1 मैंने कैरी किया, 1 प्लस 1 प्लस 1 3 1 प्लस 1 2 और ये 2 एज इट इज। सो इसका आंसर हमें मिल गया है 2,23,630 ओके। नेक्स्ट देखते हैं, 452 मल्टीप्लाई बाय 76, चलो इनका मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 6 टू जा 12 टू 1 मैंने कैरी किया, 6 5 जा 30 प्लस 1 31 और 3 मैंने कैरी किया है, 6 4 जा 24 प्लस 3 27 0 एज इट इज, 7 टू जा 14 4 और 1 मैंने कैरी किया है, 7 5 जा 35 प्लस 1 36 से 6 मैंने 3 कैरी किया है, 7 4 जा 28 प्लस 3 31 ओके। इनकी एडिशन करते हैं, 2 एज इट इज, 4 प्लस 1 5 7 प्लस 6 13 3 1 कैरी किया, 2 प्लस 1 3 प्लस 1 4 और 3 एज इट इज। सो इसका आंसर क्या मिल गया है दोस्तों, 34,352। दोस्तों इस टॉपिक के ऊपर मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है, अगर आपको चाहिए तो आप इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जाके क्लास 5 में जाके आप प्रॉब्लम सेट 14 देख सकते हैं, उसमें इसका एक्सप्लेनेशन मैंने दिया हुआ है।
तो देखते हैं अगला सवाल क्या है। 1397 मल्टीप्लाई बाय 205। चलो देखते हैं, 5 7 35, 5 3 मैंने कैरी किया, 9 5 45, 45 + 3 48, 8 मैंने 4 कैरी किया है, 5 3 15 + 4 19 से 9, 1 मैंने कैरी किया है, 5 1 5 + 1 6, ओके 0। अभी यहाँ पे 0 है, सो हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 0 0 ही आएंगे। ओके नेक्स्ट है, हमें 2 0 ऐड करना है, और 2 है 2 7 14, से 4 1 मैंने कैरी किया है, 9 2 18 + 1 19, 1 कैरी किया है, 3 2 6 + 1 7, और 2 1 2। चलो इनका एडिशन कर लेते हैं, अभी 5 एज इट इज, 9 एज इट इज, 9 + 4 13, से 3 1 कैरी किया, 9 + 1 10 + 6 16, 6 1 कैरी किया, 7 + 1 ये 0 है, हाँ 7 + 1 8, और 2 एज इट इज। सो हमें क्या आंसर मिल गया है दोस्तों, 2,86,385। देखते हैं अगला सवाल क्या है। अगला सवाल है 4,375 मल्टीप्लाई बाय 47। ओके फिर से यहाँ पे हमें 47 से मल्टीप्लाई करना है दोस्तों। सो 7 5 35, से 3 5 मैंने 3 कैरी किया है, 7 7 49 + 3 52, से 2 मैंने 5 कैरी किया है, 7 3 21 + 5 26, से 6 मैंने 2 कैरी किया है, और 7 4 28 + 2 30 0। ठीक है, यहाँ पे 4 5 20, से 0 2 मैंने कैरी किया है, 4 7 28 + 2 30, से 0 यहाँ पे 3 मैंने कैरी किया है, 4 3 12 + 3 15, से 5, और 1 मैंने कैरी किया, 4 4 16 + 1 17। चलो इनका एडिशन कर लेते हैं, 5 as it is, 2 as it is, 6 as it is, 5 as it is, 7 + 3 10, 0 1 + 1 2। तो हमें आंसर क्या मिल गया है दोस्तों, 2,05,625। चलो अगला प्रॉब्लम देखते हैं, 25,346 मल्टीप्लाई बाय 49। ठीक है, चलो देखते हैं, 9 6 54, से 4 मैंने 5 कैरी किया है, 9 4 36 + 5 41, 1 मैंने 4 कैरी किया है, 9 3 27 + 4 31, 1 मैंने 3 कैरी किया है, 9 5 45 + 3 48, 8 मैंने 4 कैरी किया है, और 9 2 18 + 4 22, 0 4 6 24, से 2 मैंने 4 कैरी किया है, 4 4 16 + 2 18, 18 से 1 कैरी किया, 4 3 12 + 1 13, से 3 मैंने 1 कैरी किया है, 4 5 20 + 1 21, से 1 मैंने 2 कैरी किया है, और 4 2 8 + 2 10। एडिशन कर लेते हैं, 4 4 + 1 5, 8 + 1 9, 8 + 3 11, 1 मैंने 1 कैरी किया, 2 + 1 + 1 3 4 2 और 1।
तो आंसर हमें क्या मिल गया है दोस्तों, 12,41,954। तो दोस्तों ये थे जो प्रॉब्लम मैंने आपको सॉल्व करके दिखा है। दोस्तों यहाँ पे मैंने वर्कशीट आपको सॉल्व करने के लिए दी है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप ये वर्कशीट सॉल्व करके इनके आंसर्स डायरेक्टली मुझे भेजेंगे, कमेंट में लिखकर मुझे भेजेंगे। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना, और मैं उम्मीद करती हूँ कि इनके आंसर्स आप मुझे जल्द से जल्द भेजेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए और सुनने के लिए धन्यवाद। हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ, कुछ नए एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।